हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी बैंकिंग एग्जाम्स में पैराजम्बल इंग्लिश सेक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पाथ है और ये एक हाईली स्कोरिंग पाथ है, क्योंकि पैराजम्बल को यदि आप कर देते हैं सही तरीके से तो सीधे 5 क्वेश्चंस आपके सही हो जाते हैं और इसीलिए ये हाईली स्कोरिंग पाथ है इंग्लिश सेक्शन में। लेकिन पैराजम्बल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है और कुछ स्टूडेंट्स को डर भी लगता है पैराजम्बल से, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन के जो पैराजम्बल्स बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं वो काफ़ी ट्रिकी होते हैं, काफ़ी टेक्निकल होते हैं और इसलिए उनकी लैंग्वेज जो रहती है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती है। लेकिन इस वीडियो क्लास में मैं आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ फंडामेंटल्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप कठिन से कठिन पैराजम्बल को आसानी से एक्यूरेसी के साथ कम से कम टाइम में आप कर पाएंगे। इस वीडियो क्लास में मैंने एक रियल क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन पूछा गया था IBPS क्लर्क प्री एग्ज़ाम में 15/12/2018 को, 15 दिसंबर 2018 को ये रियल क्वेश्चन पूछा गया है। IBPS क्लर्क प्री एग्ज़ाम का ये रियल क्वेश्चन है और इसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा कि क्या ट्रिक्स हैं, किस तरीके से पैराजम्बल को करना चाहिए ताकि आप एक्यूरेसी के साथ किसी भी पैराजम्बल को कम से कम टाइम में कर सकें। तो चलिए देखते हैं इस पैराजम्बल को। लेकिन पैराजम्बल क्वेश्चन को देखने से पहले यहां मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। ये ट्रिक्स नहीं है, ये बेसिक्स हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं और इनको आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, चाहे कैसा भी पैराजम्बल हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। देखिए, फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल है कि फर्स्ट नाउन विल कम एंड देन अ प्रोनाउन टू रिप्लेस इट। मतलब किसी भी पैराग्राफ में सबसे पहले नाउन का हम नॉर्मली प्रयोग करेंगे और उसको रिप्लेस करते हुए उसके बाद हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नाउन का मतलब हो गया राम, श्याम, दिल्ली, बॉम्बे, कुछ भी, कोई भी वर्ड हो सकता है नाउन, और उसको रिप्लेस करेंगे हम प्रोनाउन से, यानी ही, शी, इट, दे, वी, यू, ये सारे होते हैं प्रोनाउन्स। तो पहले, लॉजिकली पहले नाउन ही आएगा, उसको हम रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन से। तो ये एक बेसिक रूल है, इसको आपको समझना पड़ेगा। सेकंड हम देखते हैं, फर्स्ट फुल फॉर्म विल कम एंड देन ए शॉर्ट फॉर्म। पहले फुल फॉर्म आएगी, किसी भी पैराग्राफ में एग्जामिनर आपको सबसे पहले फुल फॉर्म देगा, उसके बाद उसकी शॉर्ट फॉर्म देगा, क्योंकि डायरेक्ट यदि शॉर्ट फॉर्म एग्जामिनर आपको देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर ये IT जो लिखा हुआ है, इस IT का मतलब क्या है, ये IT किस चीज़ को रेफर कर रहा है, क्या IT इनकम टैक्स को रेफर कर रहा है या IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रेफर कर रहा है, क्या SC शेड्यूल कास्ट को रेफर कर रहा है या SC सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर रहा है। तो सबसे पहले आपको फुल फॉर्म दिया जाएगा, उसके बाद उसको रिप्लेस करते हुए शॉर्ट फॉर्म दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पैराजम्बल बेसिकली क्या है, पूरी तरीके से एक लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग को आपको अप्लाई करना है। अब यहां पर देखिए, फिगर आउट द ओपनिंग सेंटेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पैराजम्बल का सोल है कि आपको ओपनिंग सेंटेंस निकालना है। एक एक पैराजम्बल में क्या होता है कि सारे सेंटेंसेस मिक्सड अप फॉर्म में रहते हैं, और यदि आपने ओपनिंग सेंटेंस या टाइटल सेंटेंस निकाल लिया तो सपोज आपने 50% काम आपका पूरा हो गया, फिर ओपनिंग सेंटेंस से लिंक करते हुए आप बाकी सेंटेंसेस को आप निकाल सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ओपनिंग सेंटेंस को निकालना, टाइटल सेंटेंस को निकालना, ये फिगर आउट करना कि कौन सा सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद है मैंडेटरी पेयर। मैंडेटरी पेयर क्या है कि जो क्लोजली रिलेटेड पेयर्स हैं, जो ग्रामेटिकली रिलेटेड पेयर्स हैं, दे आर कॉल्ड मैंडेटरी पेयर्स। तो ये लॉजिकली रिलेटेड भी हो सकते हैं और ग्रामेटिकली रिलेटेड भी हो सकते हैं। ये आपको कैसे निकालना है ये मैं आपको बताऊंगा रियल एग्जाम्पल के थ्रू। और अप्लाई कॉमन सेंस अप्रोच एंड ट्राई टू कोरिलेट द सेंटेंसेज लॉजिकली। तो ये तो कहने की जरूरत नहीं है कि कॉमन सेंस अप्रोच आपको अप्लाई करनी है और सेंटेंसेस को लॉजिकली कोरिलेट करना है। अब देखिए, ये एक रियल क्वेश्चन है जो कि IBPS क्लर्क एग्जाम में पूछा गया है, प्री एग्जाम का ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, ये सारे सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें क्या करना है, सबसे पहले काम आपका क्या है, सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको टाइटल सेंटेंस निकालना है। टाइटल सेंटेंस निकालने के लिए आपको ऐसे सेंटेंसेस जो टाइटल सेंटेंस नहीं बन सकते उनको एलिमिनेट करना होगा, तो टाइटल सेंटेंस अपने आप आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए, ये सेंटेंस आपने पढ़ा, यहां पर देखिए ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इट ऑल्सो लॉन्च्ड। तो इट क्या है, इट नाउन है या प्रोनाउन है? इट एक प्रोनाउन है, यानी यहां से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो इसको आपने कर दिया एलिमिनेट। अब यहां पर देखिए, बेजिंग एनुअल बिल, बेजिंग एनुअल बिल क्या है, एक बिल की इसमें बात हो रही है जो कि ट्रैफिक कंजेशन से रिलेटेड है,
और इसमें यह बोला जा रहा है कि ट्रैफिक कंजेशन की वजह से 70 बिलियन युआन यानी 11.3 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया है बीजिंग को यानी चाइना को। ट्रैफिक कंजेशन की वजह से नुकसान कैसे होता है कि जैसे ट्रैफिक कंजेशन जब होता है तो गाड़ियां बहुत धीरे धीरे चलती हैं, उसमें पेट्रोल की कंजम्पशन ज़्यादा होता है, ठीक है, लोगों का टाइम वेस्ट होता है, तो जीडीपी पर असर पड़ता है, ठीक है। तो उसकी वजह से 70 बिलियन युआन का नुकसान हुआ है या 11.3 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है चाइना को, इसमें उसकी बात हो रही है। तो इसके लिए एक बिल लाने की बात हो रही है कि इसके लिए कुछ हम कानून बनाते हैं, कुछ लोगों को बोलते हैं कुछ गाड़ियां कम खरीदें या कंजम्पशन कम करें पेट्रोल का, तो उसके लिए बिल लाने की इसमें बात हो रही है। तो ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है, क्यों बन सकता है, क्योंकि इसमें एक नाउन है, इसमें एक नाउन है, तो यहां से हम फर्स्ट सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी हम बाकी के सेंटेंसेस को भी देखेंगे। इसमें है हाउएवर, हाउएवर क्या करता है, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हुए कॉन्ट्रास्ट को बताता है। पहले हम एक सेंटेंस बोलेंगे और इस सेंटेंस के अपोजिट हमें कुछ कहना है तो हम हाउएवर का यूज करते हैं। यानी हाउएवर सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो प्रीसीडिंग सेंटेंस होगा वो इससे पहले आएगा, यानी हमने इसको भी एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। और एलिमिनेट कैसे किया, लॉजिक के बेस पर। अब देखिए यहां पर देखिए, द स्टडी फर्दर स्टेट्स, इसमें जो कीवर्ड है वो है फर्दर, फर्दर का मतलब होता है ऑल्सो। अब देखिए क्या आप इस सेंटेंस को शुरू में बोल सकते हैं, जैसे मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं, जैसे सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आई प्ले क्रिकेट, उसके बाद ही तो मैं बोल सकता हूं कि आई ऑल्सो प्ले फुटबॉल। आई ऑल्सो प्ले फुटबॉल मैं शुरू में कैसे बोल सकता हूं, उससे पहले एक सेंटेंस आना चाहिए, क्योंकि ऑल्सो का मतलब होता है कि ये और इसके अलावा ये भी, मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूं और मैं फुटबॉल भी खेलता हूं। तो फर्दर का मतलब है कि इससे पहले एक सेंटेंस, इसका प्रीसीडिंग सेंटेंस आना चाहिए, यानी ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, तो इसको एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए यहां पर भी प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है तो ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता। अब यहां पर देखिए एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट मतलब इसके परिणाम स्वरूप, इसके फलस्वरूप, इसके कंसिक्वेंस में कुछ लिख रहे हैं हम, तो एज ए रिजल्ट का मतलब है कि इसके परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ। लेकिन किसके परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ, वो सेंटेंस तो इसके पहले यहां पर आना चाहिए, यानी ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता। आई दिस इज क्लियर टू यू। और ऐसे ही पैराग्राफ को किया जाता है, एंड दिस इज द बेस्ट टेक्निक एंड दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक। अब सपोज ये सेंटेंस आपने फर्स्ट ले लिया, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं बी आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अब इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, बीजिंग एनुअल बिल फॉर ट्रैफिक कंजेशन अमाउंट्स टू 70 बिलियन युआन अ रीसेंट स्टडी हैज फाउंड। एक रीसेंट स्टडी हुई है, अभी हाल ही में एक स्टडी हुई है, उसमें यह बताया गया है कि बीजिंग एनुअल बिल फॉर ट्रैफिक कंजेशन, मतलब ट्रैफिक कंजेशन की वजह से 70 बिलियन युआन का नुकसान हुआ है चाइना को, एक रीसेंट स्टडी हुई उसमें यह बताया गया है। अब इसके बाद सेकेंड सेंटेंस कौन सा आ सकता है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं कि एक स्टडी की बात कर रहे हैं और एक स्टडी में ये फैक्ट निकल के आया है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको लिंक लेना है, यहाँ से आपको मैंडेटरी पेयर क्रिएट करना है। सबसे पहले आपने फर्स्ट सेंटेंस निकाल लिया, अब फर्स्ट सेंटेंस निकालने के बाद आपको इससे यहाँ से लिंक उठानी है, मतलब यहां से कोई सा भी ऐसा वर्ड हो सकता है जो एक कॉमन एलिमेंट हो, यानी इस सेंटेंस से एक ऐसा सेंटेंस जुड़ सकता है कि कोई भी वर्ड जो इसमें भी है और उसमें भी है। अब देखिए यहां पर देखिए इस वाले सेंटेंस को देखिए, द स्टडी फर्दर स्टेट्स, इसमें भी हम स्टडी की बात कर रहे हैं और इसमें भी हम स्टडी की बात कर रहे हैं, इसमें हम बोल रहे हैं कि स्टडी में ये निकल के आया है और इसमें हम बोल रहे हैं कि स्टडी में ये भी निकल के आया है, ठीक है। तो एक तो ये लॉजिक है, तो इस लॉजिक के हिसाब से बी और डी मैंडेटरी पेयर बन रहे हैं। अब यहां पर देखिए मैं एक चीज आपको और बता रहा हूं, आ रीसेंट स्टडी हैज फाउंड, यहां पर मैंने इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया है क्योंकि यहां पर स्टडी को मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया है, लेकिन यहां पर मेरे को पता पड़ चुका है कि कौन सी स्टडी की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर मुझे एक डेफिनेट आर्टिकल चाहिए क्योंकि स्टडी जो है अब डेफिनेट हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और प्रीवियस सेंटेंस में इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है।
तो लॉजिकली बी के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा? लॉजिकली बी के बाद केवल डी ही आ सकता है। अब आपको डी जो सेंटेंस है यहां से लिंक उठानी है, यहां से कुछ क्रिएट करना है। द स्टडी फर्दर स्टेट्स दैट 80% ऑफ द टोटल लॉस रिलेटेड टू टाइम वेस्टेड वेटिंग, 10% टू गैस एंड 10% टू एनवायरमेंटल डैमेज। मतलब इसमें 100% जो लॉस हुआ है ट्रैफिक कंजेशन की वजह से, उसमें से 80% कैसे हुआ है, 10% कैसे हुआ है, 10% कैसे हुआ है, ये इसमें बताया है। 80% हुआ है टाइम वेस्टिंग की वजह से, जो एम्प्लॉइज का, जो लोगों का टाइम वेस्ट हुआ है। 10% हुआ है गैस यानी पेट्रोल की वजह से, 10% हुआ है एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से। तो इतना नुकसान इसमें हुआ है। अब यहां से आपको एक लिंकिंग वर्ड या कॉमन रेफरेंस वर्ड उठाना है। अब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर हम लॉसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखिए आप, एज ए रिजल्ट ओइंग टू दीज लॉसेस, यहां पर देखिए दीज लॉसेस का क्या मतलब है कि ये जो लॉसेस हमने इसमें बात की है कि एनवायरमेंट में इतना हो रहा है 10%, ठीक है, 80% टाइम वेस्टिंग की वजह से हो रहा है और 10% गैस की वजह से हो रहा है, तो यहां पर भी तो हम लॉसेस की बात कर रहे हैं और यहां पर भी हम लॉसेस की बात कर रहे हैं। यानी डी के बाद एफ लॉजिकली इसमें कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर मैंने रख दिया एफ क्योंकि यहां पर भी हम लॉसेस की बात कर रहे हैं और यहां पर भी हम लॉसेस की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद यहां से यानी एफ से आपको एक सेंटेंस उठाना है। मतलब यहां पर कोई कॉमन वर्ड आपको देखना है जो किसी किसी दूसरे सेंटेंस में भी हो। एफ में देखिए, एज ए रिजल्ट ओइंग टू दीज लॉसेस द सिटी स्टार्टेड टैकलिंग द प्रॉब्लम ईयर्स अगो। मतलब इन लॉसेस के परिणाम स्वरूप, ओइंग टू दीज लॉसेस द सिटी, सिटी मतलब बेजिंग की इसमें बात हो रही है, सिटी का मतलब है बेजिंग की इसमें बात हो रही है, और इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है द सिटी। द सिटी मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सिटी, एंड वॉट इज दैट पर्टिकुलर सिटी? पर्टिकुलर सिटी है बेजिंग, उसकी यहां पर बात हो रही है, इसलिए यहां पर ये डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। द सिटी स्टार्टेड टैकलिंग द प्रॉब्लम्स ईयर्स अगो, इन लॉसेस की वजह से ही सिटी यानी बेजिंग ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या प्रोनाउन आया है ई में, देखिए, इन 2011 इट इंट्रोड्यूस अ लॉटरी सिस्टम टू रेन इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स पीपल बाय। यानी 2011 में इसने यानी बेजिंग ने एक लॉटरी सिस्टम को अप्लाई किया था ताकि रेन इन किया जा सके। रेन इन का मतलब होता है लगाम लगाई जा सके, जो लोग नंबर ऑफ व्हीकल्स खरीदते हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। अब यहां पर देखिए, यहां पर सिटी आया है और सिटी अपने आप में एक नाउन है, और यहां पर इस नाउन को रिप्लेस करने के लिए हमने प्रोनाउन का यूज किया है, और वो प्रोनाउन है इट। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं किस तरीके से मैं लॉजिकली कनेक्ट कर रहा हूं। इन 2011 इट इंट्रोड्यूस्ड अ लॉटरी सिस्टम टू रेन इन द नंबर ऑफ व्हीकल। देखिए यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पर हम बोल रहे हैं कि उसने प्रॉब्लम को टैकल किया, उसने प्रॉब्लम को, सिटी ने प्रॉब्लम को टैकल किया, लेकिन वो टैकल कैसे हुआ? वो टैकल करने के लिए उसने क्या किया कि नंबर ऑफ व्हीकल्स जो लोग खरीदते हैं उस पर लगाम लगाना शुरू किया। तो यहां से भी यहां पर हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं और यहां पर हम उसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी ये लॉजिकली रिलेटेड है। यानी लॉजिक के बेस पर भी ये लॉजिकली रिलेटेड है और ग्रामर के बेस पर भी, क्योंकि यहां पर हमने सिटी वर्ड का यूज किया है और यहां पर हमने इट वर्ड का यूज किया है, तो दोनों ही तरीके से ये लॉजिकली कनेक्टेड है। यानी एफ के बाद ई जो है ये लॉजिकली कनेक्टेड है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, और सेम इसी तरीके से करना है आपको। अब इसके बाद हम क्या वर्ड लगा सकते हैं? अब देखिए यहां पर हमने बोला है इट इंट्रोड्यूस अ लॉटरी सिस्टम, ठीक है। अब ए सेंटेंस में देखिए, इट ऑल्सो लॉन्च, मतलब इसने ये भी किया उसके बाद फिर ये किया। यानी ऑल्सो के थ्रू आपको पता पड़ रहा है कि सिटी ने पहले लॉटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद फिर उसने इस काम को किया, ठीक है। तो यहां पर ए आ जाएगा, और ए के बाद अब लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो एक लास्ट सेंटेंस है, ठीक है। तो यहां पर हम मेजर्स की बात कर रहे हैं कि हमने क्या क्या मेजर्स अपनाए, और उसके बाद यहां पर हम बोल रहे हैं लेकिन फिर भी इन मेजर्स से कंजेशन को रिड्यूस करने में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। हाउ एवर सच मेजर्स हैव डन लिटिल, मतलब इन मेजर्स ने बहुत ही कम
काम किया है कंजेशन को रिड्यूस करने में, तो इसलिए यहां पर आ जाएगा सी। तो ये आ गया आपका मैजिक फॉर्मूला, और दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ पैराजंबल, वेदर इट इज बैंकिंग एग्जाम और SSC एग्जाम और एनी अदर एग्जाम, ये है सही अप्रोच। इस तरीके से आपको पैराजंबल को सॉल्व करना है। तो इसके बेस पर अब आप इन क्वेश्चंस के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। देखिए पैराजंबल बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग एक टॉपिक है, यदि इसको आप सॉल्व कर लेते हैं प्री में या मेंस में, तो आसानी से 5 नंबर आपके पूरे के पूरे बन जाते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है आपका, तो फर्स्ट सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा बी। अब बी दिया है डी में, तो आपका आंसर होगा डी। थर्ड सेंटेंस कौन सा है, थर्ड सेंटेंस हम देख लेते हैं बी डी एफ, तो एफ क्या है थर्ड सेंटेंस, एफ किस में दिया है ए में, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए। लास्ट सेंटेंस कौन सा है, लास्ट सेंटेंस सी है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी। फोर्थ सेंटेंस कौन सा है, फोर्थ सेंटेंस है आपका बी डी एफ ई, फोर्थ सेंटेंस है आपका ई, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। और सेकंड सेंटेंस है आपका डी, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको पैराजंबल को आपको करना होता है। ये है मेरी लिंक्स, इन लिंक्स पर आप मुझे जरूर जरूर फॉलो करें, फेसबुक पर और ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।